मच्छर का होना यानी मलेरिया की संभावना। हेलो, जानिए मलेरिया से बचाव के तरीकों, इसके लक्षण और इलाज के बारे में मेरे यानी डॉक्टर खुशबू के साथ। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो खास तरह के मच्छरों के काटने से होती है, और अगर इसका समय पर सही इलाज नहीं किया गया तो ये छोटे बच्चों को काफी बीमार कर सकती है। दोस्तों, मलेरिया के शुरुआती लक्षण संक्रमित मच्छर के काटने के 10 से 15 दिनों के बाद नजर आते हैं। अगर किसी को मलेरिया हो जाए तो बुखार, ठंड लगना, चिड़चिड़ापन, भूख की कमी, उल्टी होना, शरीर का पीला होना और तेज सांस की दिक्कतें जैसे लक्षण नजर आते हैं। बीमारी के बारे में जितनी जल्दी पता चलेगा इसके इलाज में उतनी अधिक आसानी होगी। याद रखिए, अगर आपके बच्चे को 3 दिन या उससे अधिक समय से बुखार आ रहा है तो जितनी जल्दी संभव है अपनी आशा दीदी या ANM से सलाह लीजिए। साथ ही बच्चे को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में मलेरिया की जांच और इलाज के लिए ले जाइए। अगर जांच में बच्चे को मलेरिया होने का पता चलता है तो तुरंत इलाज शुरू करवाइए। बिना वक्त बर्बाद किए हुए डॉक्टर की सलाह मानिए और उनके पर्चे के मुताबिक इलाज शुरू कीजिए। इससे बच्चा जल्द ठीक होगा। और हाँ, अब जानिए उन तरीकों के बारे में जिसकी मदद से आप मलेरिया से बच सकते हैं। सोते समय मच्छरदानी लगाना न भूलें। बच्चे को ऐसे कपड़े पहनाएं जिससे उनकी बाहें और पैर पूरी तरह ढके रहें। अपने आसपास का वातावरण पूरी तरह साफ रखें। अपने घर की रोज सफाई करें। अपने घर के आसपास कहीं भी गंदे पानी को इकट्ठा न होने दें। फिर से, आपको बच्चे में मलेरिया का कोई भी लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर की मदद लेना और इलाज शुरू करवाना न भूलें।